झारखंड के जिला सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के देवी गुड़ी परिसर में दुर्गा मंडप निर्माण के लिए रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर केवल दुर्गा पूजा बाजार टाउन कमेटी के सदस्यों की गर्मामयी उपस्थिति में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर का लेआउट किया गया। वहीं इस अवसर पर आचार्य श्री शिवपति मिश्रा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दुर्गा मंडप की आधारशिला रखी गयी एवं नारियल फोड़कर विधि विधान पूर्वक पूजन कर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। वहीं मौके पर दुर्गा पूजा समिति बाजार टांड के अध्यक्ष जितेंद्र पंडा ने कहा कि मां दुर्गा की महिमा अपरंपार है, वे शक्ति प्रदान करने वाले देवता हैं। वहीं इस कलयुग में जो सच्चे मन से उनकी उपासना करेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्त होगी। वहीं मंदिर को तय समय में बनाने का उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। वहीं विदित हो कि कोलेबिरा बाजार टांड दुर्गा पूजा समिति द्वारा नवरात्र के मौके पर कोलेबिरा बानो रोड स्थित पुराने बाजार शेड में लगभग 35 वर्षों से ग्रामीणों द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा था, जिसे न्यायालय के आदेश के बाद बाजार से टूट जाने से ग्रामीण श्रद्धालुओं एवं पूजा समिति के लोगों के पास नवरात्र के मौके पर पूजा करने के लिए जगह न होने के कारण समस्या आ खड़ी हुई, जिसे देखते हुए बाजार का दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य एवं ग्रामीणों के द्वारा देवी दुर्गा मंडप की आधारशिला रखी गई। वहीं मौके पर धनंजय झा, शिवोपति मिश्रा, जयराम प्रसाद, रूपेश पंडा, जितिन प्रसाद, ब्रज बिहारी सोनी, विक्की शाह, किशोर ठाकुर, जितेंद्र कुमार, सहदेव प्रसाद, सुमित पंडा आदि लोग शामिल रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।